हमने पिछले के तीनों एपिसोड्स में द डेफिनेशन ऑफ गॉड यानी ईश्वर का अर्थ जाना था। हमने ये समझा था कि भगवान और कोई नहीं बल्कि एक एंशियंट एलियन है। बहुत लोग इस बात को तो सुनते ही समझ गए होंगे, कुछ लोगों को तो तीनों एपिसोड्स देखने के बाद जाकर समझ आया होगा, और सबसे ज़्यादा लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ होगा कि भगवान एक एलियन भी है। तो मैं आज द गॉड्स थ्योरी के पहले चैप्टर द डेफिनेशन ऑफ गॉड के आखिरी एपिसोड में ये यकीन दिलाने की कोशिश करूँगा। अब जो लोग समझना ही नहीं चाहते वो अभी ही वीडियो को क्विट कर दें, और जो लोग समझना चाहते हैं तो उनके लिए चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने भगवान से पहली बार मुलाकात की और उनके सद्गुणों को समझा, तब उन्होंने उनके सद्गुणों को कई प्रकार से वर्णित किया। अब चाहे वो लिखकर, चित्र बनाकर या भजन से उनका वर्णन किया हो, लेकिन वही किताबें जिसमें उन्होंने लिखा और वही जगह जहां उन्होंने चित्र बनाए, आज हमारे पास एक सबूत के तौर पर है कि भगवान अस्तित्व में है। नास्तिक, जिनके बारे में हम अपने दूसरे चैप्टर के एपिसोड्स में बात करेंगे, वो पूर्ण रूप से गलत हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, मतलब मैं जानता हूँ कि बिना प्रूफ के हम कोई चीज को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास वो प्रूफ है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसे दूसरे एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भगवान नहीं है, क्योंकि हमारे पुराण, धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब एक ही चीज पर बेस्ड हैं, और वो है भगवान। एक किताब में ऐसा कुछ लिखा हो तो हम उसे गलत करार सकते हैं, लेकिन इतने ग्रंथ सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं, तो क्या वो सब गलत हैं? इवन हमारे वेदों में तो पूरा भौतिकी विज्ञान छिपा है जो आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं। उनका ज्ञान हमारे व्यास जी ने कई हजार वर्ष पहले ही ले लिया था और उसे वेदों में लिखा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भगवान नहीं है, और ये कहना बिल्कुल सही है कि भगवान एक एलियन है। आप श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के तीसरे स्कंद को पढ़िए। जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर सृष्टि की रचना के बारे में पूछते हैं, तीसरे स्कंद के तीसरे पेज पर ये साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब वे माता से सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सवाल पूछ रहे थे, तब एक विमान आसमान से उतर कर आया और ब्रह्मा, शिव और विष्णु उस पर बैठ गए, और वो विमान हवा से बातें करता हुआ उन्हें सत्यलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक और कैलाश तक ले गया। और आपको पता है कि स्वर्गलोक सूर्य और ध्रुव तारे के बीच के भाग को कहते हैं, और उसकी दूरी 14,00,000 योजन यानी 48,208,000,000,000 किलोमीटर, और वैकुंठ लोक की पृथ्वी से दूरी 4,104,003,150,078,444 यानी 4 के बाद 12 जीरो लगा दीजिए, तब जाके वैकुंठ लोक की दूरी पूरी होगी। अरे आप पूरा मैप ही देख लो। तो ऐसा कौन सा विमान था जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता था, वो भी कुछ पलों में? अब आप खुद कल्पना करो भगवान की टेक्नोलॉजी की। इससे हमें पता चलता है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि एंशियंट एलियन ही है। आपने महाभारत का युद्ध तो टीवी पर देखा ही होगा या महाभारत पढ़ी होगी, तो उसमें अश्वत्थामा ने कृष्ण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। अब पुराणों के मुताबिक एक ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, इसलिए तभी कृष्ण जी ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दिया। क्या आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र की तुलना आज के एटॉमिक बॉम्ब से की जाती है? वेद पुराणों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहां 12 वर्ष तक पर्जन्य वृष्टि या कहें कि जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होती है। वह अचूक होता है और उसका दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकना संभव है। और एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका के द्वारा जब अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, तब वहां पर वैसी ही तबाही हुई थी
जैसे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर होती है, और आज तक वहाँ के लोग रेडिएशन के कारण एक अनहेल्दी बच्चे को ही जन्म देते हैं जो कहीं ना कहीं से अपाहिज होता है, ठीक ब्रह्मास्त्र की तरह। तो सवाल ये है कि इतने हज़ार वर्ष पहले ब्रह्मास्त्र आया कहाँ से, और आया भी तो भगवान से ही। इसका मतलब भगवान एक उन्नत सभ्यता है, यानी एक एंशियंट एलियन है। मुझे लगता है कि अब आपको गॉड की डेफिनेशन यानी अर्थ समझ में आ गया होगा कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और क्या वो वाकई एलियन थे। अगर आ गया है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अभी भी नहीं आया है तो सारे एपिसोड्स फिर से देखिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।